त्योहार तो हमारी बहन स्वागत है आपकी अपन YouTube चैनल वेद ज्ञान में छत्तीसगढ़ में। आज हम काली कहना अपन तो हमने लेके पता चली कोई तब हम बता देते हैं आप मतलब आज हम लेके आए अमा खट्टा अमा हम लेके बनाया है टिंगला की मछली ना। और जो लोग चैनल पर नए हैं हम चैनल को सब्सक्राइब कर देना चलो चलते बनाए बन। मछली बढ़िया साफ कर ले वो देखा एक जितना पंख तेल निकाल ले वो छोटे मछली तेल से घोर आपको तेल काटन उटन नहीं थोड़ा सा कट बस लगा पो दे थोड़ा चीरा लगा लेबो और अंदर के साफ कर लेबो मतलब सब लोग साफ कर लेबो दिखाई देखा पंख मन भी अगर कटा गए देखा अगर बढ़िया पंख कटा गए अब हम डाल देबो नमक नमक डाल के हमने बढ़िया से घसर के साफ कर लेबो राग के भी यूज कर सकता हमें नमक की यूज करा था नहीं साफ करे बार बढ़िया घसर लेबो इसने देखा हमारे मछली धुल गया है अब हम डाल देबो हमारे हल्दी हल्दी के बाद हम डाल देबो हमारे नींबू ये देखा नींबू मतलब बढ़िया से मिक्स करके 20-25 मिनट भर रख दे रिबो ताकि अगर अंदर बढ़िया से यह आ जाए नींबू जो है बढ़िया से मिक्स हो जाए देखा बढ़िया से मिक्स हो गया अभी रख देते हैं जितने टाइम तलबो है 20 मिनट बाद उतने टाइम मेला फिर से एक बार मिक्स कर लेबो और बाद तलबो हमारे सिगड़ी हो गई है अब कढ़ाई में मढ़ा देबो अब कढ़ाई में इतना गर्म करना है कि पूरा हमारे धुआं निकले लगा तभी छोटे मछली अच्छा से तलाते हम ले लेबो हमारे सरसों के तेल तले पर देखा कैसे धुआं निकला थे गर्म हो गए तेल है एक बार फिर से देखा मिला लेते हैं बढ़िया से ताकि हमारे जो नींबू है तेना नीचे चलते हुए ऊपर रसा है और ये देखा हमारे तेल कैसे धुआं निकला था ऐसे धुआं में ही डालना है छोटे मछली में तब अच्छा पलटते अच्छा बन जाते अब हम पलटा ले को देखा अच्छा चला गया एक बार है देखा देखा अच्छा से चला गया दोनों पार ले अब निकाल लेबो इतने हम सब बोल तर लेबो ये देखा सब भुंजा गया है और जो बचे तेल है तेने जो हम सब्जी ले बनाबो तो हम सब्जी में और थोड़ा सा तेल ले लेबो तेल ले फेंकना नहीं उसमें डालना है और तेल एमा डाल देबो हम सरसों आधा चम्मच अब आप मन फोरन के रूप में प्याज भी डाल सकते लेकिन खट्टा में हम नहीं डालन आए मैं 3-4 कटे हुए हम डाल देबो टमाटर और मिर्चा हरा वाला मिर्चा भी 3-4 जैसा डाला है मतलब बढ़िया से भून देबो ये हल्का भुजा के यही हल्का भुजात में ही हमारा आमा लेना है आमा अभी एक में डाल के अच्छे से तलना है देखा हम 3-4 आमा ले लें अभी आमा के सीजन चला थे तो खट्टा आमा 3-4 एक में डाल के ना बढ़िया से तल लेबो एक किनारे रख देबो ना आमा वाला साथ बढ़िया से तलना है लाल के हो गए जब तक हमारा आमा और टमाटर और मिर्चा बढ़िया भुजात है तब तक बताए तो हमारा देखा हम 2 प्याज ले लें मीडियम साइज के जिला मिक्सर में पीस ले हम और 1 लहसुन ले लें पूरा और अदरक 1 इंच के अला ज़्यादा नहीं पीसना है थोड़ा खुरदुरा पीसें देखा और ओकरे साथ साथ ये देखा 1 चम्मच मेथी वाला बढ़िया था सिलबट्टा में पीस लें ये स्वाद ला थे कभी भी छोटे मछली बना तो अला बिल्कुल पीस के इसे डालना चाहिए देखो बढ़िया से भुजा गए है ये बार डाल देबो हम लहसुन अदरक और प्याज के पेस्ट ना बोला 5-10 मिनट तक बढ़िया से भूज दो सब नए सब बढ़िया मिला के भुजा गए हमें अभी हम कुछ मसाला डाल देबो हमन एमा पहला डाल दो हमन हल्दी आप मन अपन हिसाब से डाल सकता
अब एम डाल देबो हम मिर्चा, मिर्चा अपन स्वाद अनुसार डाल सकते। बढ़िया से भून लेबो, हल्का सा पानी डाल देबो, फिर 5 से 10 मिनट तक बढ़िया से भूनबो। अभी हम डाल देबो धनिया पाउडर छोटे चम्मच में, 1 चम्मच, बढ़िया से 5 से 10 मिनट तक भूनबो। मसाला हमारा देखा रेडी हो चुके हैं, मेथी ना हम डाल देबो जल पीस के रख रहे तेला, और साथ में हमन स्वाद अनुसार नमक भी डालना है। बढ़िया से भून लेबो 4 से 5 मिनट तक आओ। मसाला हमारे जगह रेडी हो चुके हैं, अब जितने कन हमारा रसा चाहिए उतने कन हम पानी डाल देबो, आप मतलब जितने कन चाहिए उतने कन डाल सकते हैं। हमने 1 गिलास डाला था, हमने ज्यादा रसा नहीं चाहिए, मीडियम रखबो। अब एक डबके के इंतजार करबो हम, देखा डबक गए हमारे साग। अब एमा डाल देबो हमर मछली ला, मतलब एक से दो मिनट मात्र पकाबो ला, नहीं तो पूरा टूट ही मछली अलग अलग हो जाए। डाल देबो 1 से 2 मिनट बाद, रेडी हो चुके हैं हमारे सब्जी है। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताया कि आप मतलब वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद।